गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया और एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने वीडियोस में कुछ नया करने वाला हूं। सो आप सोच रहे होगे क्या करने वाला है, मिनियंस के साथ क्या करने वाला है। भाई जब मैं मिनियंस के साथ कुछ नहीं करूंगा, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने अपने गेमिंग हेडफोन्स मंगाए हैं। सो जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, मैंने मंगाए हैं HyperX Cloud Alpha S7.1 सराउंड साउंड के साथ। सो गाइस क्या लगता है आपको, कैसी होगी अनबॉक्सिंग, वो तो आपको आगे जाके ही पता चलेगा। आप मेरा सेटअप भी थोड़ा बहुत देख ही रहे होंगे, तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आइए चलते हैं हम और देखते हैं इस गेमिंग हेडसेट की अनबॉक्सिंग। सो गाइस हम आ चुके हैं अनबॉक्सिंग के लिए। सो गाइस मैंने आपको बताया था मैंने मंगाया HyperX Cloud Alpha S। सो ये हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। ये पीसी और PS4 और मोबाइल डिवाइसेस में जितनी भी हैं सब में कंपैटिबल है। और सबसे बड़ी बात है कि 7.1 सराउंड साउंड के साथ आता है। आप अंदर खोलेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या कॉम्पोनेंट इसके साथ आए हैं और वो भी आपको सारे दिखाए जाएंगे। और इसमें तो इस साइड जो है ये तो सारा अंदर कंपोनेंट्स के बारे में दिया है और इसकी डिटेल्स दी हैं, जितनी भी डिटेलिंग है सारी अंदर खोल के ही पता चलेगा। सो गाइस आइए आप बॉक्सिंग जो है बहुत ही मतलब प्रीमियम क्लास जिसे बोल सकते हैं आप, और अच्छी मतलब बहुत अच्छी जिसे बोलेंगे। मेरे लिए तो मैं ऐसी बॉक्सिंग देख के मैं पहली खुश हो गया हूँ, क्योंकि वो तो आगे देख के पता चलेगा गाइस। सो आइए देखते हैं, ओपन करते हैं। सो यहाँ से इसकी टेपिंग को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा आपको। ये है गाइस आपके सामने, आप देख सकते हैं इसकी बॉक्सिंग मतलब पैकेजिंग जो है इसकी मतलब अल्टीमेट प्रीमियम जिसे बोलते हैं वो वाली बॉक्सिंग है और पैकेजिंग जो है। आइए इसे अब खोलते हैं हम, ओपन करते हैं। कहाँ से ओपन होता है ये, ठीक है। सो गाइस दिस इज द बीस्ट, आप देख सकते हैं कि अंदर की पैकेजिंग कितनी मतलब ऑसम जिसे हम बोलेंगे। और हम इसमें देखते हैं क्या क्या हमारे को मिलता है। सबसे पहले तो ऊपर ये कवर है, लिड है, जो कि मतलब डस्टिंग वस्टिंग के लिए कि अगर हम ओपन करें तो इसे हम कर देते हैं साइड। सो इसके पहले हमें मिला है एक कार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन जॉइनिंग द HyperX फैमिली। तो इसमें काफ़ी सारे HyperX के इतने प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में डिटेलिंग दी गई है। HyperX has you covered, मतलब जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो किस किस चीज़ में मतलब क्या क्या कंपैटिबल हैं उनके बारे में आपको एक कार्ड दिया गया है और आपको एक मैनुअल दिया गया है जिसमें आप इसके फंक्शंस और जो भी हैं वो पढ़ सकते हैं। बट मैं तो नहीं पढ़ता क्योंकि यार हम थोड़ा सा मतलब आप टैकी बोल सकते हैं, टैकी तो नहीं मजाक कर रहे हैं, हम यूट्यूब से सारी चीज़ें सर्च करके हम देख लेते हैं। सो गाइज इसको हम साइड में रखेंगे और अपने मतलब अच्छे से मतलब मेनटेन करके रखते हैं। अब है हमारे पास मेन, मतलब जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था और इसे अब हम खोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ निकालूंगा ये है डिटैचेबल माइक गाइस। सबसे जो अच्छी चीज़ है इस हेडफोन के बारे में ये डिटैचेबल माइक है, क्योंकि बहुत सारे जो हेडफोन्स आते हैं गेमिंग हेडफोन्स आते हैं उसमें माइक सारे अटैच्ड होते हैं और जब आप गेमिंग अगर नहीं करना चाहते हो तो उनको आप उसमें लगे रहते हैं। कुछ में फिक्स भी होते हैं बट मतलब कुछ में आप उनको कवर कर सकते हैं बट कुछ में बिल्कुल आपके मुंह के सामने रहते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। सो ये सबसे अच्छी बात है इसकी भी, इसको भी हम रख देते हैं साइड। और गाइस अब आपके सामने आने वाला है द बीस्ट। गाइस दिस हेडफोन इज रियली ऑसम और आप देखेंगे इसकी जो हेड कुशनिंग है बहुत ही मतलब सॉफ्ट जिसे बोल सकते हैं, और पैडिंग जो है ये एयर पैडिंग जो है मतलब आप हल्का इतना ज़्यादा टिल्ट नहीं कर सकते, 360 टिल्टेड नहीं है ये, बट जो इसकी पैकेज मतलब सॉरी कुशनिंग है ये हेड मतलब जो आपके ईयर्स पे लगेगी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ है। आई थिंक अगर आप ज़्यादा गेम प्ले करते हैं 3 से 4 घंटे तो मुझे लगता नहीं कि उसमें भी कोई इश्यू होगा और कंफर्टेबल फील हो रहा है। और आप इसे लगा के देखेंगे तो मतलब जो आपका एयर पीस है ये पूरा मतलब इस जो ये इसका कवर्ड होता है इसके ऊपर अंदर जाता है ताकि आपके कान में कुछ हेडफोन्स ऐसे मैंने यूज कर चुका हूँ प्रीवियसली कि आपके कान के जो साइड में है लेयर में उसमें दर्द होने लग जाता है, बट आई थिंक इट विल बी फाइन। सो देखते हैं इसे भी हम रख देते हैं साइड। और इसके अंदर अभी एक और कवर है गाइस, ये तो मैंने सोचा नहीं था कि इसके साथ ये मिलने वाला है, इसके भी हम रख देते हैं साइड। तो गाइज ये बहुत ही सॉफ्ट आई थिंक ये लाइक्रा जो मटेरियल जिसे हम बोलते हैं वही वाला मटेरियल है और इसमें पीछे लेदर की है कुशनिंग और बीच में जो ये है फिल्टर है साउंड फिल्टर। सो ये इसके साथ आई थिंक फ्री मिले हैं, ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई, तो इसको भी हम रख देते हैं साइड। और क्या क्या चीज़ें, ओह माय गॉड गाइज मतलब इसमें कुछ ना कुछ निकलते जा रहा है, ये मतलब अलादीन का पिटारा बोल सकते हैं आप इसे। सो इसमें एक बैग भी मिला है HyperX की शायद आई थिंक इसमें HyperX
इसमें एक HyperX की ब्रांडिंग भी है, आप इसे अगर देखेंगे ध्यान से तो HyperX की ब्रांडिंग है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ओके सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द हेडफोन इज कि इसमें 3.5 mm का जो वायर है ये आपको इसमें डिटैचेबल मिलती है, आप इसमें अटैच कर सकते हैं बाई चांस, इन फ्यूचर अगर आपकी खराब होती है आप इसमें लगा भी सकते हैं, और मतलब इन फ्यूचर आप चेंज भी कर सकते हैं, बट आपको इसकी अच्छी ये जो देखेंगे ब्रेडेड वायर है जो आप देख लेते हैं ढंग से खोल के। सो गाइस बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी की ब्रेडेड वायर जो मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छी, मुझे लगता नहीं कि जल्दी खराब होने वाली है। आप इसे सबसे अच्छी बात ये होती है ब्रेडेड वायर की, आप इसे अगर आप ऐसे फोल्ड करके रखते हैं तो ये कहीं मुड़ती नहीं है, उलझती नहीं है, तो बेस्ट पार्ट है आपका ये। और गाइस अब आ चुका है इसका 7.1 सराउंड साउंड का जो सिस्टम है, ये आप अभी पीसी में यूज़ कर सकेंगे, और इसका भी सॉफ्टवेयर तो नहीं है आई थिंक, बट इन्होंने जो दिए हैं बहुत ही ईजी फंक्शन है, प्लस माइनस जो साउंड वॉल्यूम है एंड चैट वाला फंक्शन है और बाकी नोटिफिकेशंस के भी हैं, और जब आप इसे शायद प्ले करेंगे तो आपका जो मतलब साउंड है वो 7.1 सराउंड साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे वीडियोज में कि कैसे होता है, और आपको पूरा इसका मैं हो सकेगा तो पॉसिबल हो सकेगा तो आपको इसका साउंड भी सुनाऊंगा। सो गाइज ये था हेडफोन, और आई थिंक आप लोगों को अगर लगता है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसे बजट हेडफोन तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये 10,000 to 11,000 की रेंज में आता है, बट इसके जो नीचे एक HyperX क्लाउड था वो भी आई थिंक 6,000 की रेंज पे आता है, बट ये जो हेडफोन है अगर आप अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं इन फ्यूचर और अच्छे से मतलब अपना स्कोप अगर आपको लग रहा है गेमिंग के लिए तो आप इसको कर सकते हैं, और पैकेजिंग बहुत ही औसम है, हेडफोन इज रियली गुड। सो अब हम चलते हैं आगे और इसकी मैं आपको लाइव साउंड सुनाऊंगा गाइस। सो गाइस मैंने हेडफोन लगा लिया है, इसका माइक भी अटैच कर दिया है, 3.5 mm का जो ब्रेडेड वायर है इसे भी अटैच कर दिया है, और मैं आपको एक चीज बताना और भूल गया था, इसमें आप जो देखेंगे इसमें ये बेस कंट्रोल भी है, आप अगर अपने बेस को कंट्रोल करना चाहते हैं दोनों साइड आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं गेमिंग के टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता है बेस कंट्रोल की, अगर आपको फुटस्टेप सुनना है या सामने वाले की फायरिंग जो कहाँ किस साइड से हो रही है वो देखना है। सो गाइस अब मैं आपको इसकी जो अभी भी जो आप आवाज़ सुन रहे हो इसी के थ्रू सुन रहे हैं आई थिंक। हेलो 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 भाई लोग कहाँ पर हो, कौन सी लोकेशन पर हो, तो आप लोग हम लोग गेम में यही सब बातें करते हैं और एमओ मांगते हैं भाई, रिवाइव मांगते हैं, और जो भी पबजी हम प्लेयर जितने भी पबजी लवर हैं, और ये हम बहुत सारे और भी गेम खेलते हैं बट हम लोग पबजी लवर हैं सो हम लोग रिवाइव मांगते हैं ज़्यादा। सो गाइज आप जो मेरी अभी आवाज़ सुन रहे हो इसी माइक के थ्रू सुन रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डिस्टॉर्शन फ्री है एंड जो भी इसमें वॉइस कंट्रोल है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही मतलब क्लियरली सुनाई देता है, अगर आप इसे सुनेंगे हेडफोन इज सो क्लियर। और मैं आपको अगर आप बोलेंगे कि आप इसे रिकमेंड करेंगे, मैं ऑब्वियसली रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं हेडफोन्स में तो ऑब्वियसली आप इस गेम पे मतलब HyperX क्लाउड अल्फा एस पे ज़रूर जाइए और आप इसे लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। और ये बजट हेडफोन बिल्कुल भी नहीं है, बजट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है गाइस, 10,000 to 11,000 की रेंज में आता है। सो अगर आप चाहते हैं लेना तो ऑब्वियसली आप ले सकते हैं। सो गाइस एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है, और जो भी नॉइस कंट्रोल है, जो भी बाहर का साउंड अगर नहीं आता है, अगर आपकी मम्मी आपको चिल्ला रही है और आप गेम खेल रहे हो तो आप बिल्कुल भी मतलब डरे मत, आपको सुनाई देगा बट थोड़ा कम सुनाई देगा। सो मैं आपको चेक प्ले करके सुनाता हूँ अगर आपको ध्यान से सुनेंगे तो, बट जैसे ही आपके एयरपीस पे लगता है तो आपका साउंड हो जाता है बिल्कुल मतलब आई मीन 90% तो रहता है, 10% आपको सुनाई बाहर का सुनाई देता है। तो गाइस ये है आपका जो साउंड क्वालिटी है आप देख सकते हैं, और सो ये था आपका साउंड की जो अगर आप देखना चाहते हैं बाहर का जो बेस है वो कैसा सुनाई देता है, तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई होप कि आप लोग को अगर आप लेते हैं तो आप लोग को भी मजा आएगा इसकी साउंड क्वालिटी में। और जो मैंने आपको बताया था ये 7.1 सराउंड साउंड के साथ मैंने अभी ऑन करके जो प्ले कर रहा है उसके विदाउट भी आप उसे प्ले कर सकते हैं, तो आई होप कि आपको इसमें तो अगर आप चाहते हैं लेना तो ऑब्वियसली आप ले सकते हैं। और डिस्टॉर्शन के साथ मैंने आपको बता दिया है कि डिस्टॉर्शन फ्री है और जितना भी अब बाहर का जो साउंड है वो गेमिंग में नहीं आता है, बहुत ही क्लियर साउंड आता है, मैंने एक दो गेम खेल के भी देखे हैं और बहुत ही अच्छा साउंड मुझे आया। और आई होप कि आपको वीडियो मज़ा आया होगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और गाइस और अपने दोस्त को भी बताएं, क्योंकि मेरा भी बहुत ही नया चैनल है गाइस, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, और सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी ना भूले गाइस, और आगे मेरे वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें सर गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।